कौन है? पीटर। कुछ बोलूं या पहले देखना है? मजा आ रहा है। आप सबसे पहले आए होंगे तभी सबसे आगे की सीट मिली है ना, उन्होंने कुछ कुकर्म करे होंगे जो सबसे पीछे बैठे हैं, लेट आए होंगे है ना। यहाँ पे बस आपको देखने आया हूँ। तो मैं कुछ ना बोलूँ, मतलब आराम से खड़ा रहूँ? मुझे तो दिल नहीं आता जब आया कि मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड हो गया है। मतलब मुझे लगा था ऐ भी बोलते कोई फ्री में बुलाते नहीं है। अच्छा मतलब आप मेरे सेशन सारे देखते हो लेकिन मेरे को चोर समझते हो, मतलब आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ कि फ्री व्री में कुछ नहीं होता है, मतलब दिखाता हूँ फ्री यहाँ पे आकर के मैं सबके जो भी आपके कंगन है सोने के चेन है ये सब उतार लेता हूँ, मतलब आपको ये लगा था, या फिर पीछे से पैसे खाता हूँ। तो अब जो टॉपिक है वो है फियर, हाउ टू कॉन्कर आर फियर्स। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? ऑलमोस्ट सब चाहते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं आज के सेशन में कि आप में से जो भी बोलना चाहते हैं वो अपने हाथ ऊपर करेंगे, आप बताएंगे कि आपके अंदर सबसे बड़ा डर क्या है। हाँ, इनको माइक दे दीजिए। इंसल्ट होने का डर, लाइक अभी मुझे कैमरे के सामने बोलने का भी डर था कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बट आई थॉट कि बोलना चाहिए। इसको कह सकते हैं फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। हाँ, ये कितनों के अंदर है ये फियर कि अगर मैं आपको अभी कहूँ यहाँ पे स्टेज पे आकर के यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़े होना, लोगों को हंसाना है कुछ भी बोल करके, कितने हैं जिनको डर लगेगा? कोई भी कुछ भी सोच रहा है आपके बारे में उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सोच ले बेवकूफ, आपको या मुझे, मैं अपने पे रखता हूँ, आप पे नहीं रहता, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। मेरे को अगर कोई आप में से बेवकूफ समझ रहा है उसमें कोई दिक्कत है? बेवकूफ बोल रहा है उसमें दिक्कत है? क्यों नहीं है, दिक्कत तो है। जब बोलते हैं कभी होते, ये तो मेरे को बच्चों की याद आ गई। जो बोलता है कुत्ता, तू जो कुत्ता बोलता है वो खुद ही कुत्ता होता है, तू कुत्ता। कभी कभी जान करके बेवकूफों वाली हरकतें करो। डर से ना लड़ने के दो तरीके होते हैं, एक है कि आप उस सिचुएशन में पहुंच गए, कई बार होता है हम चाहते नहीं है लेकिन एक सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं जहां पर वो डर हमारे आमने सामने होता है, तब हमें पता ही नहीं है कि हम उससे कैसे लड़े। एक है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ और आप खुद उस सिचुएशन को क्रिएट कर, तो सेफ एनवायरनमेंट है, आप समझ पा रहे हो ना। एक है आपको पानी से डर लगता है, तो एक है कि जब बाढ़ आ गई है या कहीं पे डूब रहे हो तब तैरना सीख रहे हो। एक है सेफ एनवायरनमेंट में, यानी किसी स्विमिंग पूल में आप तैरना सीख रहे हो, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसे ही ये जो डर है वो है कि कहीं मैं बेवकूफ ना लगने लगूं। तो अगर हम जानबूझ करके कुछ बेवकूफों वाली हरकतें करें, अपने घर में भी, अपने दोस्तों के सामने भी, यहां भी वहां भी, मतलब जानबूझ करके अपना मजाक उड़वाएं, तो क्या लोगों को मजा आएगा आपका मजाक उड़ाने में? नहीं। मजा किसका मजाक उड़ाने में आता है? अपने ऑफिस में, घर में, यहाँ पे, वहां पे, जो बुरा मानता है, जो उससे परेशान होता है बेसिकली, जो बुरा मानता है। बुरा क्यों मानता है? क्योंकि उसके अंदर डर है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए। जिसके अंदर एक्चुअल में डर है ही नहीं, वो खुद ही अपना मजाक उड़ाता रहता है, अब उसका कोई क्या मजाक बनाएगा? अगर अपनी वीकनेसेस पे हम खुद हंसना शुरू कर दें, खुद अपने आप को हल्का फुल्का लेना शुरू कर दें हर एक सिचुएशन में, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होगी भी जहां पे एक्चुअल में आप बेवकूफ शो हो रहे होंगे तब भी आप हंस रहे होंगे, बट अगर हमको, हमने अपने आप को ज्यादा सीरियसली ले लिया, अब हम फंस जाएंगे। जब दुनिया हंसेगी, चाहे आपके मुंह पे ना हंसे, आप जा रहे हो, आपको दिख रहा है मुंह नीचे कर करके हंस रहे हैं लोग, हो जाती है ना लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, मन में बोल रहे हैं, आपको पता लग रहा है उनकी शक्ल से। तो अगर आपको पता है कि हाँ मैं बेवकूफ भी हूँ, सिर्फ बेवकूफ ही हूँ नहीं, भी हूँ, दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ लोगों का ये भी हो जाता है कि हाँ मैं तो बेवकूफ ही हूँ, रोते रहो बेटा, मैं बेवकूफ भी हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर मिल गया आपको? हाँ। तो प्रैक्टिकली आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं यहाँ पे स्टेज पे आकर? नहीं, इतना नहीं है ना, ये सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। अब देखो, अभी इन्होंने कहा नहीं, तो क्या ये सही डिसीजन है गलत डिसीजन है? बिल्कुल सही, क्योंकि डर को एक झटके में कॉन्कर नहीं किया जाता है। ये नहीं कि मुझे तैरने से डर लगता है तो मैं सीधा जाकर के समुद्र में तैरूंगा। इसको हम करेज समझते हैं, बड़ी करेज नहीं, बेवकूफी होती है बहुत बार।
कि अगर डर है तो धीरे धीरे कॉन्कर करो, धीरे धीरे। हाय सर, माय नेम इज चिराग। आई वेंट टू न्यूजीलैंड फॉर स्टडीज। तो वहाँ से क्या हुआ कि 1.5 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। अब आई एम प्लानिंग अगेन टू गो टू कैनेडा, बट मेरे को ये डर है कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूँगा तो फिर से फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी वॉज इन्वॉल्व। फियर ऑफ फेलियर, इसको और अगर स्पेसिफिक किया जाए, फियर ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। फाइनेंशियल फेलियर, पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया जहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, अब आपके अंदर डर है कि मैं दोबारा उस काम को करूँ या ना करूँ। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने कहते हैं नहीं होना चाहिए? 3-4 लोग। कितने कहते हैं डर होना चाहिए हमारे अंदर? ये होना चाहिए, बिकॉज मनी इज लाइक योर लाइफ लाइन। दो तरह के फियर्स होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। एक है साइकोलॉजिकल, एक है फिजिकल। पहले इन दोनों को अलग अलग करके हमको समझना होगा। साइकोलॉजिकल क्या है? लोग हंसेंगे तो, लोग मेरे को बेवकूफ बोलेंगे तो, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल फियर्स। मैंने पैसा जोड़ा है 10 साल तक, सुबह से रात तक काम करके इतना पैसा जोड़ा है, मान लो 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। मेरे पेरेंट्स ने पूरी लाइफ काम करके इतना पैसा जोड़ा है, और अगर वो पैसा डूब गया तो ये डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा। हाँ जी। इसका माइनस पॉइंट क्या है? ग्रोथ रोकने का। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जिसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। टाइम निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल कुछ करोगे ही नहीं। रिस्क के नाम से हमको डर लगने लग जाएगा। तो क्या ऐसा बंदा कभी भी कुछ कर पाएगा अगर उसको डर ने चारों तरफ से घेर लिया है? क्योंकि लॉस तो हो ही सकता है ना, जब पहले हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है ना। कुछ भी नया हम ट्राई करते हैं तो वहां पर रिस्क तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिस्क हो ही ना। और मजे की बात क्या है, हमको लगता है कि रिस्क सिर्फ वहां पर है, जहां पर आप हो वहां पर जो रिस्क है वो हमको नजर नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे घर से बाहर अगर हम कहीं जाएंगे, कहीं ट्रैकिंग करने जाओगे, तो वहां पर रिस्क है ना, मर सकते हो ना ट्रैकिंग करोगे तो। घर में बैठे रहो तो कोई रिस्क है? नहीं है, ऐसा हमको लगता है। बहुत बड़ा रिस्क है, एक कैद है। कैद में जिए, कैद में मरे, क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं। सुबह इतने बजे उठे, वहां पर गए, फिर आए, फिर सो गए, फिर ये किया वो किया, एक रेपिटेटिव मोड में नहीं चले जाएंगे? फिर हमें और एक रोबोट में फर्क क्या है? लाइफ किसे कहते हैं? जो ग्रो कर रहा हो या जो रुक गया हो? बिल्कुल हवा की तरह जो चलती चली जा रही है, पानी जो बहता चला जा रहा है। पानी रुक जाता है तो सड़ने लग जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि कुछ भी करने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना, बिना पैसे के क्या नया होगा? मतलब कुछ भी, आपको अपने घर से यहां तक भी आना तो उसके लिए भी पैसा लगा। तो छोटे से भी छोटा कुछ करोगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर हम बहुत ज्यादा डरने लग जाए तो एक बात पक्की है कि हम अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो अब ये डर हमारे अंदर से कैसे निकले, दैट इज अ क्वेश्चन। ये डर तब निकल सकता है जब जो भी आप करने वाले हैं उस सिचुएशन की हर साइड को आप देख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि अब आप कैनेडा जाने की सोच रहे हैं। ज्यादातर हम बैकअप प्लान क्या सोचते हैं, मैं कैनेडा जाऊंगा, वहां कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे ये कर लूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहेंगे? अब अगर मैं दोबारा जा रहा हूं तो पहले तो मैंने सीखा कि पिछली बार जब मैं गया था तब मैंने क्या गलतियां करी, क्यों ऐसा हुआ। ऐसा तो नहीं किसी एक ने कुछ बोला था, उसके भरोसे हम वहां पर पहुंच गए और उस बंदे ने डिच कर दिया लास्ट मोमेंट पे। तो अब ये गलती नहीं करनी है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में 99% लोगों को अपनी पड़ी है, आपकी थोड़ी पड़ी है। तो अब क्या यहां पे इस रिस्क को कैसे कवर किया जाए, या इस डर को अपने अंदर से पूरी तरह से कैसे निकाला जाए कि अब अगर मैं वहां जा रहा हूं तो जो भी आप सोच के जा रहे हो कैनेडा, वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? वापस आके नहीं, वहीं पे। मां गया, जाते ही 2 दिन के अंदर अंदर मैंने ये किया, इस पर्सन से मिला या ये इंटरव्यू दिया, ये किया, वो इंटरव्यू पहले से प्लान्ड है, 10 इंटरव्यूज पहले से प्लान्ड है, ये 10 में भी हर जगह ना हो गया, अब मैं क्या करूंगा? क्या वापस आ जाऊंगा? वहां पे और क्या किया जा सकता है? उसको भी आपने प्रायोरिटाइज कर दिया है, ये नहीं हुआ तो 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 ये, तो आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो डर निकल गया। हाँ, इन पर माइक दे दो। अभी एक्चुअली में होता क्या है, जिनके पेरेंट्स हैं, मतलब घर बना हुआ है, जैसे जरूरत का सामान है, रोटी कपड़ा और मकान है, वो तो सारे रिस्क ले सकते हैं। जो मेरे जैसे जैसे खुद चल के, जिन्होंने मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, फिर मैंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया, घर बनाया, ऑटोमेटिक गाड़ी ली, सरकारी नौकरी, सरकारी अफसर बना, सब कुछ बन गया,
और शादी भी हो गई, वो भी आजकल वो हो गया ना उतनी, तो वो भी हो गई। तो ओवरऑल मतलब आज की नज़र में सबके सामने मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। सब कहते हैं हाँ इसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन मैं मेरी जॉब से खुश नहीं हूँ। मेरे को मतलब जाना ही पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है मेरे को मेरी जॉब। ये सब आप बोलना चाहते हैं कैमरे में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि अब मैं खच्चर, मेरे को खुद फील लगे मैं खच्चर हूँ। मैं रोज सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे घर आता हूँ, ठीक है वो पैसा आ रहा है, जितना भी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी अफसर है तो तनख्वाह तो फिक्स है, अभी इतनी मिलनी है। तो अब क्या EMI तो जा रही है, गाड़ी की भी जा रही है, घर की भी जा रही है, तो मैं मेरी लाइफ से बोर हो गया, तो मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर चुके ऑलरेडी? हाँ मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा तभी इतना बोल रहे हो आप? नहीं रिजाइन कर दिया, नहीं है। नहीं मैंने रिजाइन दे दिया। अब आप समझ सकते हैं एक सरकारी अफसर इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, तो घर वाले सब अगेंस्ट हो गए कि तू करेगा क्या, मुझे नहीं पता क्या करना, मुझे ये जॉब नहीं करनी। मेरे को 1 साल हो गया और अब मेरी हालत हो गई खराब, क्योंकि वो जो EMI जा रही है वो तो जा रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने सपने हैं, जैसे मेरे को कुछ बड़ा करना है लेकिन घर वालों को तो नहीं करना, तो डर ये है कि अब मेरे सपनों के लिए फैमिली के सपने दांव पे लगाए या ना लगाए। सबसे पहले तो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मुझे इतना खुल के बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए। तो अब पॉइंट आता है इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अभी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, नंबर वन। नंबर टू, अब जो ऑलरेडी खर्चे बंद गए हैं और एक लाइफस्टाइल एक स्टेटस है उसे नीचे कैसे आए। चलो आप तो आ जाओगे लेकिन घर वाले उससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, बस ये समझ पा रहा हूं मतलब। हाँ तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो वहां पर एक स्ट्रांग स्टैंड लेना होता है आपको, अपने लिए और सबके लिए जो आपको सही लगता है। अब एक्चुअल में सही क्या है ये कौन बताएगा आपको? अभी आप कैसे जी रहे हो अपनी लाइफ, जो एक्चुअल में सही है वो कर रहे हो या दुनिया ने कुछ नॉर्म सेट करे हुए हैं उसके हिसाब से उसके अंदर उस दायरे में एक्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि हाँ सब सही है? क्या आपकी लाइफ की डोर पूरी तरह से आपके हाथ में है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो दो ही तरह के डर है हमारे अंदर, तीन तरह के, तीन नजर आए। एक मिनट, हाँ दो थे, तीसरा भी नजर आया। एक है रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक है पोजीशन से रिलेटेड, एक है आपकी ईगो से रिलेटेड। सक्सेसफुल नहीं है तो कोई नहीं पूछता, सक्सेसफुल नहीं है तो कोई नहीं पूछता, ये क्या डर है? इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? रिलेशंस, रिलेशंस मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ मत समझो, रिलेशंस विद दी सोसाइटी, रिलेशंस विद पीपल, इसमें रिलेशंस विद एनिमल्स नहीं आया, क्योंकि अगर आपकी नौकरी चली भी गई तो कुत्ता तो प्यार करेगा है कि नहीं? आप कुत्ते को जाकर के बताओगे मैं अब बिजनेस करने की सोच रहा हूं। लेकिन अगर किसी और रिलेशन में किसी को बताया तो वो क्या करेंगे? दे विल नॉट एक्ट आउट ऑफ लव, उनको आपकी थोड़ी पड़ी है कि आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, दे विल एक्ट आउट ऑफ फियर। लव में फियर में फर्क देख पा रहे हो? लव हमको आजाद करता है, फियर हमको छोटा बनाता है, सेल्फिश बनाता है। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर दे आर ऑल एक्टिंग आउट ऑफ फियर्स, तो पहले आपको फियरलेस होना है, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो फियरलेस हो सकते हैं। सो ये जो फियर्स हैं, अगर इसको हम एक एक करके फटाफट से देखें, फियर रिलेटेड टू पोजेशंस, चीजों का डर, चीजों को चले जाने का डर। ये डर कैसे निकलेगा? बिना चीजों के जी के देख लो, 10 दिन 15 दिन। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जब ये चीजें उनसे कोई छीन लेता है तब उनको समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं, तब ज्यादातर लोग ऐसे में या तो बिल्कुल ही अंदर से खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो लाइफस्टाइल होता है एक तरह का, उसको खोने का डर कब निकल सकता है? जब आप एक्चुअल में ऐसे जी रहे हो कि आपके पास शायद पैसा बहुत है लेकिन आप बड़ी से बड़ी गाड़ियों में भी घूम रहे हो और पैदल भी घूम रहे हो, स्कूटर पे भी घूम रहे हो। गाड़ी का मतलब क्या है? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पहुंचने के लिए है ना गाड़ी का। और एक्चुअल में रोल क्या है? और कोई रोल है? बाकी सब यहां है, साइकोलॉजिकली है कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बड़ी है, उसको क्या, सो व्हाट। मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन आप ढूंढ रहे हो औरों की आंखों में, उनको जला करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। होता नहीं है जब नई नई गाड़ी लेते हैं और कोई बाइक पे है उसको ऐसे देखते हैं, देख गरीब देख। तो क्या करना होगा, ये डर कैसे निकलेगा? अकेले में कम से कम रिसोर्सेज में अपने साथ में टाइम स्पेंड करो, कुछ दिन तक किसी गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर जाकर के खाना खाओ, देखो कितना टेस्टी है, फ्री है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे कम से कम पैसे में
या बिना पैसे के भी मैं जी सकता हूं और खुश रह सकता हूं। इतनी अकल होनी चाहिए। इसको और अगर सिंपल करूं, अपने अंदर झांक के देखा मैं किन चीजों पर डिपेंड हूं जिसके बिना मैं फड़फड़ाने लग जाता हूं, किन लोगों पर डिपेंड हूं, हैबिट पड़ जाती है ना एक तरह की, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, चाहे अंदर से लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन आदत पड़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडिक्शन है कि भाई डेली मेरा ये फ्रेंड है, मेरे को उसके साथ में टाइम स्पेंड करना ही करना है। एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, एक मिनट सुनना, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है 5-7 लोगों का, उसमें पता है वो सब मिल करके आपकी ले रहे हैं, मतलब जो भी मतलब है आपका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा होता है, नहीं होता है, बट आपको डर है कि अगर यही तो गिने चुने 4-5 दोस्त है मेरी लाइफ में, ये जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, और वो लिमिट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सारी हदें पार कर जाते हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं, वो बंदे सुने चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि इन्होंने मेरे को अपने ग्रुप से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। डर है ना, तो छोड़ दो ना उस ग्रुप को कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, देखो छोड़ करके क्या उसके बिना आप जी सकते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अब आप वहां पे स्टैंड ले सकते हो, नहीं तो यू विल एक्ट ऑलवेज आउट ऑफ फियर कि मैंने बोला तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। डर में किसी के साथ रह रहे हो, ये कोई रहना होता है? डर में कोई आपके साथ रह रहा है, कोई रहना है? रहना है तो प्यार को फाउंडेशन बनाओ ना। प्यार का मतलब क्या होता है? तुझे जो करना है कर, साथ रहना है रह, छोड़ना है छोड़ दे, कल छोड़ना है कल छोड़, अभी छोड़ना है अभी छोड़, कोई और समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जाओ। When love is the foundation, तो वहां पर कोई डर नहीं होता। Where there is fear, there is no love. Where there is love, there is absolutely no fear. और कौन सा रह गया? ईगो। अब ये डर कैसे निकलेगा हमारे अंदर से? ईगो क्या होती है? What is ego? नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मैं हमेशा सही हूं। कोई बोलता है ना कि मैं तो बिल्कुल ही गलत हूं, मैं तो गया गुजरा हूं, वो भी ईगो है। ईगो हम किसको समझते हैं? मैं ये, मैं वो, मैं वो, वो एरोगेंस है। ईगो का मतलब क्या है? मैं ये हूं, तू वो है, ये ईगो है। जो मुझे तुझसे अलग करती है वो ईगो है। इसकी वजह से मैं सुबह से रात तक अपने आप को औरों से कंपेयर करता रहता हूं, और उसे जेलस होता रहता हूं। हर एक की जड़ क्या है अगर ईगो नहीं है तो? मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूं, बट कोई जरा सा मुझे कुछ बोले तो मुझे बुरा लग जाता है। ईगो नहीं तो और क्या है? Unless and until you see it as a fact, absolutely clearly, that this ego is an illusion, it's a myth, ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। मैं ये हूं, ये कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है ये। जब ये देख लेते हो तो वहां से प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, जहां पर मैं हूं ये, तू है वो, वहां पर प्यार कहां होगा? प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, वो भी तब जब दोनों में से किसी एक को दूसरे से कुछ चाहिए होगा, तब वो बातें शुरू हो जाएंगी। जैसे वो मिल जाएगा उसके बाद में कोई और बातें शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है, नहीं होता है? व्हाट इज ईगो? अब ये कैसे जाएगी? एक क्वेश्चन है जो अगर आपके अंदर एंटर कर जाता है, दैट इज हु एम आई। डीपली आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, किसी और से नहीं कि हु आर यू। ज्यादातर लोग औरों से पूछते हैं हु आर यू, अब उसको छोड़ तू क्या है ना जी, आपके लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे, किसी से हो ही नहीं सकते। सारे लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है? ईगो। ईगो कैसे डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से? जब आप इस सच को देख लेते हो कि मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है ही नहीं, ये सच है। अपने आप को आप एक पेड़ आपको दिख रहा होता है उससे अलग समझ रहे होते हो, जबकि आपको इतना सा समझ नहीं आ रहा है रियलिटी के बेस पे कि अगर वो पेड़ आपको ऑक्सीजन नहीं देगा तो आप सांस कैसे लोगे? तो क्या आप और वो कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से? क्या उससे अलग होकर के आपकी कोई औकात है? आप क्या हो उसके बिना? इस सच को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? ये जो मैं है ना, मैं, ये ईगो है। मैं ये, मैं वो, मैं वो। अब आप चाहे मैं को ऊपर उठाओ चाहे नीचे गिराओ, दोनों ईगो है। सुबह से रात तक यहीं पे हम जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। इससे जब आप बाहर निकलते हो तब आपको कुछ नजर आने लग जाता है,
तब एक नई दुनिया का रास्ता आपके लिए खुल जाता है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। हाँ, पर मैं और तू कहीं पर भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देखोगे। कभी प्रैक्टिकली 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बैठ करके यहाँ पे इस पे ध्यान लगाना, तो आपको समझ आएगा क्या है। ये जो दो उंगलियां है ना, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपकी बॉडी और ये बॉडी अलग अलग है। पर जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं तो कुछ देर बाद ये एक हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी आपको फील होगी, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी इतनी तेजी से फ्लो करने लग जाएगी कि उंगलियां फील होनी आपको बंद हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू फील योर फिंगर्स, देयर बी ओनली एनर्जी। वो यहां है या वहां है आपको ये तक पता नहीं होगा, यहां वहां गायब हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी रह जाएगी। ये सिंबल है ये बताने का कि सब जुड़ा पड़ा है, सब एक है। थैंक यू सो मच जी।